हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं दीपाली, दीपा की दुनिया में आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ वी पार्क। तो चलिए आपको यहाँ का दिखाती हूँ, पूरा वी पार्क यहाँ का विंध्यवासिनी पार्क कैसा है। अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आई हूँ तो मैंने सोचा लाओ ये पूरे पार्क को मैं घुमा देती हूँ कि आजकल यहाँ दिन में भीड़ रहती है, लोग आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पूरा। देखिए यहाँ की ग्रीनरी, और अभी मैं उस साइड में चल रही हूँ, देखते हैं। यहाँ पे टेक्निकल चैंपियन यूट्यूब का मीटअप था, तो मैं आई थी मिलने के लिए उनसे, तो उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है, आप लोग तो चैनल पे देखिएगा। और अभी मैं यहाँ पे, मैंने सोचा जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं वी पार्क को पूरा कवर कर लेती हूँ जब तक। तो देखिए यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, दिन भीड़ रहती है। हमारे घर से तो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आए घूमने टहलने के लिए। देखिए मैं यहाँ बचपन में आई थी, बचपन से लेके इतने साल हो गया, अब मैं आ रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल निकले हैं। ये देखिए गेट की फ्लावर्स। मोहतीपुर चौक से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते और पैडलेगंज जाने वाले रास्ते को अलग करने में एक पार्क की बड़ी भूमिका है। वह है विंध्यवासिनी पार्क, जिसे ज़्यादातर लोग वी पार्क के नाम से जानते हैं। तो इसके इतिहास में बताऊं तो करीब 125 साल पुराना है। इसे सन 1885 में तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर वी ने बनाया था, इसलिए ये वी पार्क के नाम से मशहूर हुआ। इसका ऐतिहासिक महत्व दो वजह से है। पहला, इसमें मौजूद गुप्तकालीन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की प्रतिमा, और दूसरा उत्तरी मुख्य द्वार पर बनी गुंबदकार इमारत। तो देखिए यहाँ पर बजरंग दल वाली शूटिंग हो रही है, कुछ अपना सीरियल्स की शूटिंग होती होगी, या तो फिर कुछ भोजपुरी, या तो फिर यूट्यूब के लिए शूटिंग करते होंगे, कुछ तो करते होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप लोग का यूट्यूब चैनल है या फिर किस चीज़ की शूटिंग कर रहे हैं? कॉलेज में एक्चुअली। अच्छा, कॉलेज इवेंट का। अच्छा, आपको चैनल है क्या? हाँ चैनल है, व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ कॉलेज के इवेंट के लिए लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग रिकॉर्ड रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इवेंट के लिए जी। ये देखिए बीच में जो है, अरे अपना चेहरा दिखा दो। तो कॉलेज के इवेंट के लिए ये लोग रिकॉर्डिंग कर रही हैं यहाँ पर। अच्छा है यहाँ पर सब, इतना बड़ा है यहाँ पर हर चीज़ हो जाता है। तो देखिए और थोड़ा ठंड में तो हो सकता है ज़्यादा भीड़ रहती हो, और शाम में लोग आते होंगे जो यहाँ के आसपास के लोग होंगे वॉक करने, और सुबह में वॉकिंग होती होगी यहाँ पे। देखिए वहाँ पे टेक चैंपियन सपोर्ट की मीटअप हो रहा है यूट्यूबर्स का, वहीं पे मैं आई थी एक्चुअली। नहीं मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे वी पार्क जाना है, वी पार्क जाना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने यूट्यूब पे। देखिए लोग आके बैठे, धूप में क्या कर रहे हैं लोग आके बैठ के, फालतू बच्चे को एंजॉय कराते होंगे कुछ। अब
बहुत तेज़ धूप लग रही है, गर्मी में तो और ज़्यादा हो जाता होगा। वहाँ लोग पिकनिक मनाने आए हैं, छाँव में लोग बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने समोसा खाया हुआ है और पानी पिया जो कि टेक चैंपियन सपोर्ट की तरफ से था। तो एक तरफ का मैंने यहाँ कवर कर लिया, इसी तरीके से वो साइड भी है, वो साइड भी है, लोग बैठते हैं। और अभी मैं बाहर का भी दिखा दूँगी, देखिए कितना ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है। देखिए वहाँ पर भीड़ है, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये लोग भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, बैठे हैं लोग, अपना बातचीत कर रहे हैं। उधर लोग वॉकिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सब लोग यूट्यूब वाले हैं, लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अब मैं सोच रही जाने के लिए। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी भी है, झूला वगैरह झूल सकते हैं बच्चे। पहले मैं समझती थी यहाँ कौन ही आता होगा, लेकिन भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सारे गुलाब के पौधे हैं, बागवानी यहाँ पे हुई है। देखिए गुलाब के पौधों की बागवानी कितने खूबसूरत लग रहा है। इधर बच्चा पार्टी लो, ये देखिए गुलाब। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब जा रही हूँ, बहुत देर से मैं आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर से वॉच करिएगा। अरे यार मैं तो दरवाज़ा ही मतलब रास्ता ही भूल गई, इधर से किधर है, भूल भुलैया हो गया। बाहर जाने का रास्ता किधर से है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, बाहर जाने का रास्ता किधर से? उधर अंदर तो आ गई, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, बताओ किधर जाए। थक गए, पैर दर्द करने लगा बिल्कुल, लेकिन पेड़ पौधा देख के अच्छा लग रहा। थक गई हूँ, किधर से आई थी मैं और किधर जा रही हूँ सच में। एंट्री तो हो गई लेकिन एग्जिट की जगह मैं भूल गई, इधरी से आई थी। तो देखते हैं किधर से रास्ता, बाहर जाने का इधर ही से है क्या? चलिए फाइनली मुझे मिल गया बाहर जाने का रास्ता। अंदर तो आ गया, बाहर जाने का भूल गई थी फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे पौधे लगते हैं, तो चलिए बाहर चलते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, लेकिन पौधा वगैरह देख के कितना अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है पौधा देख के। आम का बगीचा,
तो चलिए फिर चलते हैं बाहर। बाय, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पे अभी कोकोनट वाटर पीते हैं। देखिए दाम एक दे दीजिए भैया, दाम तो लिखे हैं 20 रुपए। ये देखिए धोखा दे दिए, 20 रुपए लिखे हैं लेकिन दे रहे हैं 50 रुपए में। ये होता है क्लिक बेट यूट्यूब पे लिए भी, दाम लिखा है 20 रुपए, आएंगे लोग देखेंगे, हम मिल रहा है 50 रुपए में।